हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ 234 KTM 790 ड्यूब के बारे में, जो कि ऑफिशियली जो है वो अनवील्ड हो गई है। एंड फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें मैकेनिकली तो हमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलने वाला है, बट इसके अंदर हमें टू न्यू पेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो मुझे 234 एडिशन जो कि हमें KTM 790 ड्यूब का जो है हमें देखने को मिलता है, जो कि फिलहाल हमें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, के अंदर हमें ग्रे एंड ऑरेंज इस तरह से हमें टू न्यू पेंट स्कीम देखने को मिलेगी है। एंड साथ ही में हमें न्यू ग्राफिक्स जो कि हमें इसके फ्यूल टैंक एक्सटेंशंस एंड टेल सेक्शन पे देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, के अंदर हमें न्यू लाइब्रेरीज एंड मैकेनिकली फ्रेंडली हमें सेवी जो है हमें देखने को मिलने वाली है। एंड फ्रेंड्स, के अंदर हमें जो KTM का हमें LC8C इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है वही देखने को मिलेगा, जो कि हमें 790cc के साथ। एंड फ्रेंड्स, के अंदर हमें 103 bhp का पावर एंड 87 Nm का जो टॉर्क है वो देखने को मिलेगा, जो कि हमें 6-speed gearbox के साथ जो है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड सस्पेंशन सेटअप के अंदर हमें फ्रंट में हमें 43 mm के हमें USD फ्रॉक्स एंड रियर में हमें प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक एब्जॉर्बर से वो देखने को मिलेंगे, जो कि हमें WP Apex सोर्स जो है हमें देखने को मिलने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, के अंदर हमें ट्विन स्प्रिंग सेटअप जो कि हमें 300 mm की, जो कि हमें इसके फ्रंट एंड में एंड रियर एंड में हमें 240 mm की जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलेगी। एंड साथ ही में हमें ABS भी जो है हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस बाइक के बारे में इतने फ्यूचर्स एंड स्पेसिफिकेशन में वही देखने को मिलते हैं। एंड गाइस, और व्हीकल्स के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी में एक और न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।